स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है सितंबर 11th टू सितंबर 17th, ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, तो मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, राइट? तो कार्ड शफल कर लिए हैं मैंने। मेडिटेशन की बात करते हैं। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे क्या जो आपकी एनर्जी महसूस हुई है स्कॉर्पियो, और वो ये है कि इस हफ्ते ना बचना है। मुझे ये शब्द बहुत बार बार सुन रहा था कि बचिए, इस चीज से बचिए। और जब मैंने ध्यान लगाकर फिर से पूछा कि इसका मतलब क्या है, कि मुझे किस चीज से बचना है, तो जो मुझे गाइडेंस मिली है उसमें मुझे हंसी भी आई पहले तो, लेकिन मैं उसे अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक कीजिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने की कोशिश कर रही है, कुछ लोगों के जीवन में आ भी गई है, ये जो भी अप एंड डाउन्स का वो तांडव मचा हुआ है ना जो आपकी लाइफ में, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको भंग करने के लिए चीजें आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आ सकती हैं। डरना नहीं है, लेकिन पूरी बात सुनिए। अभी वो जैसे मुझे विजन में नजर आया, जैसे कोई साधना में लगा हुआ है, कोई तपस्या में लगा हुआ है, सूफी संत या कोई भी फकीर संत, कुछ भी कह लीजिए, वो साधना कर रहा है, और फिर एक अप्सरा आती है उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। उस तपस्वी ने हालांकि 12 घंटे की तपस्या है, उसमें से 9 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं, 3 घंटे बचे हैं, लेकिन फिर वो जो राक्षस का ईगो का जो आखिरी वार है ना, तो वो आखिर के टाइम में ही आता है, क्योंकि फिर उसे पता है कि ये जीतने वाला है शख्स, तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है उस चीज को, तो उसको रोकने के लिए, राइट? तो आप, मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि अभी तक आपकी जो भी साधना लगी है, तपस्या लगी है, कहने का मतलब है जो भी आपने प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, जो भी कोशिश की है आपने खुद को सही ट्रैक पर लेकर जाने की, खुद के जीवन को संवारने की, उसको भंग करने के लिए कुछ चीजें आ रही हैं स्कॉर्पियो। और मैं ये भी बता दूं, मेरा खुद का स्कॉर्पियो राइजिंग है, तो मैं कुछ भी बना नहीं रही हूँ, मैं खुद तैयार कर रही हूँ अपने आप को इस हफ्ते के लिए। बहुत स्ट्रांगली ये चीजें जो है ना आएंगी, और ये बहुत मनमोहित करेंगी। आजा मेरे पास स्कॉर्पियो, कोई बात नहीं तो बाद में कर लेना अपनी तपस्या, चल बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। मैं बहुत फनी तरीके में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ट्रिकी एनर्जी, यू नो, बहुत ही छल वाली, मुझसे छल किए जाए, वो गाइड मूवी का गाना भी है ना, मुझे एकदम से वो भी याद आया, छल कपट, भ्रम में रखना, वो शक्तियां दोबारा, वो शक्ति नहीं कहूंगी, वो भ्रम जो है वो वापस आपके जीवन में इस हफ्ते में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी आपके कार्ड्स देखते हैं। मैं खुद एक्साइटेड हूं, अगेन मैं स्कॉर्पियो राइजिंग हूं। पहला कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल। यप, मैंने ये जो डेक है किसी कारण के वजह से ही इस रीडिंग के लिए इसको चूज किया था, क्योंकि पहली बात ये डेक इतना डिटेल्ड और इतनी इसकी हायर वाइब्रेशंस है ना, मुझे इतने गहरे मैसेजेस मिलते हैं इससे कि पूछिए मत। और देखिए पहला कार्ड फाइव ऑफ पेंटिकल, सूरज उदय हो रहा है अपनी दिशा में, अपना वक्त लेकर सूरज जो है वो उदय हो रहा है। ये जो वुमन है वो सूरज को देख रही थी, पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, फिर अचानक से उसने क्या देखा, एक शिकारी शिकार कर रहा है। ये जो भेड़िया है इस नाजुक से, कोमल से, चंचल से खरगोश को दबोचने की कोशिश कर रहा है, और इसने अपनी आंखें मीच ली। क्यों? ये सेंसिटिव है। स्कॉर्पियो क्या है? वाटर साइन है, सेंसिटिव है, वो जो तकलीफ है, दर्द है लोगों की, चाहे जानवरों की, चाहे मदर अर्थ गाया की, चाहे उसके आसपास के लोगों की, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये कप जो साइन होते हैं। तो ये सूरज का नजारा देख रही थी, ये ट्रांसफॉर्म हो रही थी, लेकिन अचानक से एक गड़बड़ी आ गई,
एक्सपीरियंस में एक गड़बड़ी आ रही है और वो उसको देख नहीं सकती, इसलिए उसने अपनी आंखें मीच ली हैं। वो उसका कुछ कर नहीं सकती। हालांकि इस भेड़िए के साथ वो लड़ने से तो रही, वो तो उसको भी दबोच खाएगा, है ना। तो वो उस नजारे को, उस तपस्या से भंग होने के लिए, अगेन देखिए मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये मुझे सीन तपस्या का तभी नजर आया। यहाँ पर भी वही है कि वो जो भंग करने के लिए शक्तियां आ रही है ना, पता नहीं मैं बार बार शक्ति क्यों कह रही हूँ गाइस, वो जो भ्रम आ रहा है उससे बचने के लिए प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा, खुद को खुद ही बचाना होगा, कोई और शक्ति नहीं आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन है, सूरज क्या है, दिन चढ़ना, रात वो गहरी काली रात जो है उसका खत्म होना, वो खत्म हो रही है, सूर्य उदय हो चुका है और आप उसके साथ जुड़ भी गए हैं। वो यहाँ पर खड़ी होकर इस सूरज को ही देख रही थी ना, वो वहां पर खड़ी होकर झक तो नहीं मार रही थी, लेकिन फिर उसने ये नजारा देखा जो कि वो नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो उसको, क्योंकि वो खरगोश के दर्द को समझती है। एम्पैथ्स उसे कहते हैं। स्कॉर्पियो साइन है, कप साइन है, अगेन दूसरे के इमोशंस को पिकअप करना। तो ये जो वुमन है ट्रांसफॉर्मेशन में भंग हो गई, इसकी कोई चीज ऐसी आई जिसने इसको भंग कर दिया, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को। अब यहाँ पर ये गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए, ये जो बाजू है एक किस्म का टूल है आपके पास, एक किस्म का आपके रिसोर्स कह लीजिए, आपकी नॉलेज कह लीजिए, आपकी विद्या कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अपने ही ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने आप को इससे बचाना है, ये पहली गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए। इस हफ्ते में अगर कुछ करना है स्कॉर्पियो को, वो जो चीजें भंग करने के लिए आ रही है आपकी शांति को, आपके पीस को, उनसे खुद को बचाना है। और खुद को बचाने के लिए क्या करना है, वो जो कुछ भी आपके पास है मौजूद, ज्ञान विद्या नॉलेज, कुछ भी मुझे नहीं पता, जनरल रीडिंग है, और जनरल ना भी होती तब भी मैं यही कहती, जो भी आपके पास मौजूद है चीज उसको इस्तेमाल करना है। इस अपना ब्रह्मास्त्र देखिए क्या है आपका स्कॉर्पियो इस हफ्ते में। मुझे पता है मेरा, मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे पता है स्कॉर्पियो, आप खुद को पूछिए ये सवाल। आपकी मंथली रीडिंग में भी यही आया था स्कॉर्पियो कि सवाल बहुत करने हैं इस महीने में। ब्रह्मास्त्र को यूज करना है ताकि इस ये जो चीज आ रही है उससे आप सेफ हो सके, उससे खुद को बचा सके, पहली गाइडेंस। दूसरा देखते हैं क्या है, रीबर्थ, डेथ, स्कॉर्पियो का ही कार्ड। वाओ, यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी महसूस हो रही है, ये पता नहीं क्यों मुझे एकदम से एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये एक्स मुझे लग रहा है कि कोई वापस आना चाहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आप गुफा में गए, कोढ़ जो था आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके दिमाग पर, आपने उसको उतारा और फिर वो गुफा से बाहर आया, आप एक फीनिक्स की एनर्जी, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये बिगुल बज रहा है, क्योंकि एक नया शख्स जो है वो उस अमृत को घूंट पीकर नया शख्स उसका जन्म हुआ है। यहाँ पर ये खरगोश जो छिपा हुआ है, ये पास्ट है, आपको आपकी जो ये सेरेमनी हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, बिगुल बज रहा है, शंख बज रहा है, अनहद नाद बज रहा है कि कोई ट्रांसफॉर्म होके आया है, किसी ने अपनी जिंदगी जो डूब गई थी, वह डूबे हुए को जैसे तिनके का सहारा, पानी में डूब गए थे लेकिन फिर ऊपर आए, बाकी के लोग भी उसको सराहा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको शायद आप ही इसको समझ रहे होंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिली है ना अपने आप में, बाकी लोगों ने भी इसको नोटिस किया है, और ये कार्ड वही कह रहा है कि बाकी लोग भी इसको नोटिस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, दिक्कत क्या है, ये छिपा हुआ है खरगोश, देखिए यह है पास्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपको लगा कि हाँ सब दाग जो है धुल गए, सब पाप जो है धुल गए, सब जो नफरत थी मन में वो धुल गई, लेकिन ये कुछ छींटे बाकी हैं, कुछ छींटे अभी भी बाकी हैं, कुछ दाग अभी भी बाकी हैं स्कॉर्पियो, जिन्हें धोने की जरूरत है। और मुझे ये एस ऑफ कप्स इसीलिए नजर आया क्योंकि जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें जो एस ऑफ कप्स है उसमें से पानी, जैसे वो अमृत हो, तो ये अमृत अभी भी है। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई है लेकिन अमृत का प्याला अभी भी है, और उस अमृत से ही ना खरगोश को इस ये जो एक्स की ये जो पास्ट की एनर्जी है और इसको धोना है, इस दाग को धोना है। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मुझे एकदम से वो बात याद आई,
बहुत शायद कम लोगों को पता हो, लेकिन जो रैबिट्स है ना, उन्हें पानी से बहुत डर लगता है। समझ लिए अब मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूं। अमृत है खरगोश है, पानी है ये खरगोश है, जो कि पास्ट की एनर्जी है। इस पानी से ही आप इसका इससे छुटकारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि खरगोश को ना अमृत से डर लगता है, पास्ट को अंधेरे को रोशनी से डर लगता है। समझिए, समझिए मेरी बात को। मैं खुद हैरान हूँ गाइस, मेरी जिंदगी जो है ना वो इतनी रोलर कोस्टर में रही है, लेकिन अब वो बदल रही है। और जब वो बदल रही है इतनी स्पीड से, जब आपकी रिकवरी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, तब चीज़ें जो हैं, जो वो शैडो सेल्फ है ना, वो और थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, उसका छल कपट जो है वो और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो इस हफ्ते में पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी गहरी काली चीज़ें दोबारा सरफेस पर आएंगी, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस खूबसूरत सेरेमनी को भंग करने की कोशिश करेंगी। यहाँ पर सेरेमनी चल रही है, ये बिगुल बज रहा है ना, तो इसको भंग करने की कोशिश की जाएगी। अब गाइडेंस क्या है, बता दी है मैंने आपको। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को यूज करना है स्कॉर्पियो। जब तक ब्रह्मास्त्र को यूज नहीं करेंगे ना, ये नहीं होगा। ये जो है ना, ये सेरेमनी को भंग करके ही रहेगा। ये सेरेमनी है तो खाने पीने का भी इंतजाम होगा, तो ये खरगोश है वो जंप करेगा और वो सारा खाने पीने का सामान जो है वो तहस नहस कर देगा। मुझे पता है मैं बहुत अजीब सी और फनी बातें कर रही हूँ, लेकिन इस ये एनर्जी के साथ जूझने का सबसे आसान तरीका यही है। अपनी जो ट्रू सेल्फ है, ट्रू सेल्फ क्या है, ट्रू सेल्फ है उसमें कठोरता नहीं है। जो आपकी ट्रू सेल्फ है ना, उसमें कठोरता नहीं, उसमें चंचलता है। तो मैं इसीलिए उस नज़रिए से आपके साथ बात कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, अगेन कहने को तो मैं 100 बातें कह दूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल है, लैक मेंटेलिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है आपकी लाइफ में, रीबर्थ कहेगा, ओ खजाना खुलने वाला है स्कॉर्पियो के लिए। अरे भाई ऐसे कुछ नहीं होता। मेरे पास कोई छड़ी नहीं है कि मैं इंद्रधनुष निकालूंगी और उसमें से अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको दूं। मैं इशारे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। इंद्रधनुष सूरज तो पहले से ही निकला हुआ है, लेकिन उसमें अभी घने बादल जो ग्रे क्लाउड्स हैं वो दोबारा आने की संभावना है। समझ जाइए स्कॉर्पियो, समझ जाइए, क्या कहूँ मैं अभी आपको। तीसरा कार्ड देखते हैं, इंटरेस्टिंग रीडिंग। ओह लुक, टू ऑफ कप्स, चॉइसेस। ये प्यार रिलेशनशिप, इश्क मोहब्बत प्यार नहीं है सिर्फ प्यारे, ये चॉइसेस हैं। ये आपको लुभाने की कोशिश की जाएगी, और हो सकता है कि आपका मन भी करे, क्योंकि मन तो अभी भी है ना, शरीर में तो अभी भी हो आप अपने, तो हो सकता है आप भी शायद आपको लगेगा कि चलो 2-3 घंटे अगर तपस्या ना भी हुई, ट्रांसफॉर्मेशन ना भी हुई, तो कौन सा तूफान आ जाएगा। लेकिन ये बात कह रही है कि चॉइसेस, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी तपस्या को जारी रखना है, या फिर वो जो अप्सरा आ रही है उसके प्यार में मोहित होकर अपनी जो 9 घंटे की तपस्या है, 9 सालों की, 9 महीनों की, 9 हफ्तों की, 9 दिनों की तपस्या को भंग कर देना है। मेरी तो 15 साल की तपस्या लगी हुई है, मैं तो उसे भंग नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं पता आपका टाइम फ्रेम क्या है, मैं अपनी बात बता रही हूं। ये चॉइसेस हैं गाइस। अगर आप इस उम्मीद से ये रीडिंग देखने आए हैं कि लव लाइफ में क्या होगा, तो मैं आपको भी मैसेज दे देती हूँ, क्योंकि आपको भी क्यों नाराज करना, आप सुनने आए हैं ना, तो आपको भी बता देते हैं। ये कार्ड कहता है टू ऑफ कप्स, कोई रिलेशनशिप आ सकता है आपके जीवन में, या फिर कोई आपका अगर रिलेशनशिप है तो वो गहरा हो सकता है। एक ट्रेडिशनल टैरो, जो आजकल के टैरो रीडर्स है वो तो ऐसी ही बातें करते हैं। अगर आप यही सुनने आए हैं तो देखिए मैंने वो भी बता दिया आपको। लेकिन वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं मेरी जर्नी को, मेरी रीडिंग्स को पिछले कुछ समय से, उनसे अगर मैं बातचीत करूं, संभल जाइए स्कॉर्पियो, संभल जाइए। वो आ रहा है, वो खतरा आ रहा है, लेकिन डरना नहीं है उससे। उसका रीजन मैं बताती हूँ क्या है। अमृत है तो ये खरगोश जो है वो उसके सामने टिक नहीं सकता, खरगोश को पानी पसंद नहीं होता। ये नज़ारा भी जो है ये टल जाएगा, क्योंकि सूरज की किरणें हैं,
सूरज तो उदय हो चुका है, सूरज तो उदय हो चुका है। ये जो हथियार ये यूज कर रही है, इसे इसके हाथ बंधे नहीं हुए हैं। जब ये नजारा टल जाएगा, ये अपनी आंख अपने हाथों को खोलकर इस सूरज का जो दर्शन करने के लिए आई थी, सूर्य उदय का जो ये दर्शन करने आई थी, उसे दोबारा कर सकती है। ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक, जैसे कोई कह रहे हैं ना कि कोई आपके जीवन वो उस तपस्या को, उस नजारे को भंग करने के लिए एक छोटी सी क्या कहते हैं उसे हिंदी में, मुझे पता, मुझे शब्द नहीं मिल रहा, जैसे कुछ छोटा सा आ रहा है जिसका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन लेकिन अगर उसको आप इस तरीके से देखें कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक माया है, तो उसका आकार छोटा है। अगर इसको आप एक डर के तरीके से देखेंगे तो इसका आकार बड़ा है। सॉल्यूशन है आपके पास, क्या करना है, उस सॉल्यूशन को सिर्फ फॉलो करना है। और चॉइसेस, इस हफ्ते में इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके जो भी डिसीजन, अगर कोई भी चीज में लीजिए, छोटा सा उदाहरण दूं तो खाने पीने में आप कौन से डिसीजंस लेते हैं इस हफ्ते में, कौन सी चीज़ों, कौन सी फूड को आप कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी मूवीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से गाने सुन रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आपकी बातचीत हो रही है, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखिएगा इस हफ्ते। आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी नींव, ये सब चीज़ें आपकी नींव बन रही है, एक फाउंडेशन तैयार हो रही है आपके लिए। तो ये चीज़ें आपको आने वाले समय में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो। लुक, फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे कॉम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड, सी द लाइट माय लव, सी द लाइट। ये जो कार्ड्स इस तरीके से जब आते हैं ना, तो मैं खुद मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, मैं सही काम कर रही हूं, यू नो व्हाट आई मीन। ये खुद बहुत एक सेटिस्फेक्शन मुझे देता है। See the light in the world, रोशनी, सिर्फ रोशनी के साथ जुड़ना है, क्योंकि और कुछ तो जो अंधेरा है वो तो सच है ही नहीं ना, रोशनी ही सच है। आपका जो असली स्वरूप है वो रोशनी है और वही सच है, बाकी सब तो मोह है, माया है। और मैं ये नहीं कह रही कि मोह माया की भी जरूरत नहीं है हमें, हमें है, लेकिन एक सीमा तक इस दुनिया में रहना है तो हमें मटेरियल चीज़ों की भी ज़रूरत है, हमें रिलेशनशिप्स की भी ज़रूरत है, इस तन की भी कुछ ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा करना है, सब है, लेकिन एक सीमा तक। क्योंकि ये जो रोशनी है, ये ह्यूमैनिटी, अगेन लाइफ पर्पस, अगेन गाइस लाइफ पर्पस, ये स्कॉर्पियो साइन तो मेरी जान लेकर रहेगा सच में। इतने मैसेजेस भर भर के आते हैं ना इनकी लाइफ पर्पस के बारे में, मैं चाहूँ तो आने वाले एक घंटे तक इसके बारे में बोल सकती हूँ, मुझे और कार्ड्स भी निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन ये लाइफ पर्पस है। और यहाँ पर ये जो इसके हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इस हायर सेल्फ के हाथ में, ये इत्र वो असेंशियल ऑयल्स जो होते हैं, अमृत, अगेन अपने आप को इस हफ्ते में अगर आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी रखना है ना, तो यहाँ पर ये जो नब्ज है आपकी, आपके जो नर्व है ना, यहाँ पर आप एसेंशियल ऑयल भी लगा सकते हैं अगर आप एलर्जिक नहीं हैं। गुलाब जल का भी इस्तेमाल कीजिए, ये जीवन है हमारा, यहाँ पर ये जो नर्व्स है ये हमारा जीवन है, राइट। तो अपने जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए चंदन लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी को दूर रखे। मुझे नहीं पता, मुझे खुद का पता है, मैं एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करती हूँ, मेरे जो चक्रस हैं उससे बैलेंस रहते हैं। अगर आप नहीं इन सब चीज़ों में विश्वास करते तो भी कोई बात नहीं, जो जिन चीज़ों से आपको लगता है कि नेगेटिविटी दूर रहेगी वो चीज़ कर लीजिए आप। अपना अपना मार्ग है, अपना अपना नजरिया है, उसमें क्या है, है ना। अंत में तो मैसेज एक ही है, ये जो इत्र है ये आपके पास मौजूद है, ये जो रोशनी है आपके पास मौजूद है, ये जो अमृत है आपके पास मौजूद है, और ये जो है ना डिसीजन लेने की पावर, ये जो लोग हैं, ये दोनों जो लोग हैं ना, इन्हें खुद को पता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं, और इन्हें ये भी पता है कि एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। इन दोनों का पास्ट है, इसका भी पास्ट है, लेकिन इन दोनों ने उस चीज़ को लेट गो भी कर दिया है, इसलिए ये अब तैयार हैं इस रिलेशन के लिए, इस प्याले के घूंट भरने के लिए, एक दूसरे के लिए ये तैयार हैं। तो हील्ड, जिसे कहते हैं कंप्लीटली हील्ड, आप नहीं हैं अभी आप नहीं हैं। ये सूर्य का जो नजारा है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, अभी आप रेडी नहीं हैं। तो बहुत सी बातें हैं गाइस, बहुत सी बातें हैं। ये जो परिंदा यहाँ पर रखा है ना, ये उड़ने के लिए रेडी है, ये एक जख्मी था, ये जख्मी था,
पहले ये जख्मी था लेकिन अब ये जख्मी नहीं है। अब ये उड़ने के लिए तैयार है लेकिन अभी भी ये घोंसले में है। अभी भी ये घोंसले में है, अभी भी इसके उड़ने में कुछ चंद कुछ पल बाकी हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, गुफा से तो बाहर आ गए हैं लेकिन अभी फिर भी एक एक जो भंग करने के लिए चीज़ है ना, वो है, तो उससे बचना है इस हफ्ते में। ठीक है, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह दूँ गाइस, लेकिन अब मैं चलती हूँ। और भी रीडिंग्स करनी है, अकेला स्कॉर्पियो तो नहीं है ना साइन, बाकी रीडिंग्स भी करनी है। तो मिलूंगी बहुत जल्द आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और लगे रहिए, ठीक है। बाय बाय।